ये सब फालतू की चीजें हैं, समझे। गर्लफ्रेंड जो है ये आपको खाने के लिए नहीं देते हैं। कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए आप? आपकी जैसी चाहिए, हॉट, स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए और ट्रेडिशनल भी होना चाहिए। चाहिए नहीं लाइफ पार्टनर। क्यों नहीं चाहिए? साधु महायोगी जी बनना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज हम पटना के लोगों से एक फन टॉपिक पे बात करने निकले। फन टॉपिक क्या है? तो लड़के और लड़कियों से पूछेंगे कि आखिर उन्हें कैसे लड़के और लड़कियां चाहिए। तो आइए बात करते हैं। हमको चाहिए जो सुंदर हो, खूबसूरत हो, ऐसी चाहिए जो हमको कभी छोड़ के नहीं जाए। आप लोगों को कैसी लड़की चाहिए, कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? अभी तो उसके बारे में सोचे नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा। आपको कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? मेरे पास तो है, पहले से है, इसके पास है। गर्लफ्रेंड क्या चाहिए? गर्लफ्रेंड अच्छी रहनी चाहिए और कैसा, परिवार को जो ध्यान दे लेकर चले वैसे ही गर्लफ्रेंड चाहिए। आपको कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? ये सब फालतू की चीजें हैं, समझे। गर्लफ्रेंड जो है ये आपको खाने के लिए नहीं देते हैं, समझे। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तीन चीजों से दूर रहो, राजनीतिक, धर्म और प्रेम। अगर ये तीन चीज़ों दूर रहेंगे तो आप सफल होंगे। अगर तीन चीज़ों से नहीं रहेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे जिंदगी में, कभी आगे नहीं बढ़े। ये सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। अच्छा, मिलेगी गर्लफ्रेंड? इसको बोलेंगे था, फिर इसको बोलेंगे था, इसको बोलेंगे था। एक्चुअली होता है ना कि शहर की लड़कियाँ एक्चुअली हमारे इंडियन कल्चर को समझ नहीं पाती हैं, कोशिश करती हैं लेकिन वो उतनी फिट नहीं बैठती, लेकिन गांव की लड़कियां कल्चर को समझने में थोड़ा सा ज़्यादा उन लोगों का ये होता है। इसलिए गांव की लड़की चाहिए। अपने पे खर्चा करेंगे, अपने दोस्त पे उड़ाएंगे। अब चार चार मिनट पे कॉल करिए, हेलो बाबू ने थाना थाया नहीं थाया, अब उससे कौन आदमी, उससे पागल आदमी रहेगा। माँ बाप जब शादी कराएगा तो शादी करेंगे, नहीं कराएगा नहीं करेंगे। बाबू सोना कौन करवाएगा? स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए और ट्रेडिशनल भी होना चाहिए। ट्रेडिशनल भी होना चाहिए, सब चीज़ उसमें होना चाहिए। अच्छा, ये एक्सपेक्ट करेंगे। आप बताइए आपको कैसा चाहिए? कुछ एक्सपेक्ट किया होगा ना, सोचा होगा ना? हाँ, जैसा भी चाहिए, इनके जैसा चाहिए, नेचर और सब चीज़ में, सब चीज़। हाँ, आपको कैसी चाहिए? अच्छी होना चाहिए। आपको? हमको नहीं चाहिए, हमको शादी नहीं करना है। नहीं करना है? क्या? अरे अच्छा नहीं लगता। कौन धोखा दे दिया? धोखा नहीं दे दिया, अकेले रहना अच्छा लगता है हमको। अकेले? हाँ, अकेले रहना अच्छा लगता है। आपको कैसी चाहिए गर्लफ्रेंड? नहीं, अकेले ठीक है, सिंगल ही अच्छा है भाई। हमको गर्लफ्रेंड चाहिए ही नहीं। क्यों इतना, क्यों नफरत? नहीं, कोई अथी, मतलब क्या बोलते हैं, नफरत तो नहीं है किसी चीज़ से, मतलब अथी नफरत नहीं होता है, बट हमको चाहिए ही नहीं गर्लफ्रेंड। हाँ, सोचे होंगे जो अच्छी हो, आई मीन बस मुझे चाहे, और क्या, बस आपको चाहे। हाँ, चाहिए नहीं लाइफ पार्टनर। क्यों नहीं चाहिए? साधु महायोगी जी बनना है। योगी जी बनना का है, इतना क्यों दुख हो गया लाइफ में? सक्सेस पाने के लिए योगी जी ऐसा ही होना चाहिए। योगी जी ऐसा ही होना चाहिए, बीजेपी के सपोर्ट। इसके तरह क्यूट चाहिए, लड़के से शादी करेंगे लड़के, मतलब नहीं इसके तरह चाहिए, लड़के तरह चाहिए। क्या क्वालिटी? क्यूट है ये, क्यूट है। हाँ देखिए, है ना, यही आपको पसंद आया, लड़की नहीं पसंद आई? नहीं। लाइफ पार्टनर वैसी होनी चाहिए जो हमारी सारी बातों को समझे, हमें सपोर्ट करे और उसे हम भी सपोर्ट करें। ऐसी ना हो कि ना वो हम पे रूल करे और ना हम उस पे रूल करें, दोनों का इक्वल वैल्यू होना चाहिए किसी भी डिसीजन पे। मतलब अच्छी होनी चाहिए, लॉयल होनी चाहिए, और क्या, अंडरस्टैंडिंग हो और समझे, कंडीशन को समझे, सिचुएशन को समझे, बस। तो कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए आपको? हमको जो बिल्कुल मम्मी की तरह चाहिए, जिसमें मम्मी मेरे पापा को केयर करती हुई, सही चाहिए हमको, बिल्कुल एकदम। हाँ, मम्मी जैसी क्वालिटीज चाहिए। हाँ, पूरा क्वालिटी मेरे मम्मी जैसी चाहिए। तो देखा आपने कि हमने पटना के लड़के और लड़कियों से बात की कि आखिर उन्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। अब आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।